हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, बिहार एसआई मेंस का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड हो चुका है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होने के बाद जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर क्या रहेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, कट ऑफ पर एनालिसिस करना अभी काफ़ी मुश्किल है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आप लोगों का हो चुका है, उस पर मैं रिसर्च करूंगा, उसके बाद ही मैं आप लोगों को कट ऑफ बताऊंगा। तो कट ऑफ का वीडियो आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों को इतना बता सकता हूं कि अगर आप लोगों ने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आप लोग बिल्कुल सेफ हैं। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी बेसिक जानकारी दे देता हूं। अगर मैं मिनिमम एज की बात करूं, एज लिमिट की, तो मिनिमम एज आपकी 20 साल होनी जरूरी है और मैक्सिमम एज जो है आपकी 37 साल होनी जरूरी है मेल के लिए। फीमेल की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एज आपकी 40 साल फीमेल वालों के लिए, और एज रिलैक्सेशन में छूट भी दी जाएगी। और 1/1/2020 से आपकी एज काउंट की गई थी। अगर मैं टोटल वैकेंसीज की बात करूं तो इसमें टोटल वैकेंसी थी 2213, काफ़ी वैकेंसी थी, जिसमें सब इंस्पेक्टर की 1998 और दे सकते हैं आप लोग सर्जेंट की 215 वैकेंसी थी। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें सब इंस्पेक्टर ने जनरल की 724, बीसी की 280, ईबीसी की 387, बीसी फीमेल की 58, ईडब्ल्यूएस की 199, एससी की 313, एसटी की 17। टोटल वैकेंसी थी इसमें 1998। सर्जेंट की अगर मैं बात करूं तो जनरल की 86, बीसी की 26, ईबीसी की 39, बीसी फीमेल की 7, ईडब्ल्यूएस की 21 और एससी की 34, एसटी की 2 वैकेंसी थी। टोटल वैकेंसीज में थी 215। तो कट ऑफ के बारे में मैं विश्लेषण नहीं कर सकता हूं अभी। कट ऑफ का वीडियो आप लोगों को मॉर्निंग में मिल जाएगा। अगर मैं पेपर के लेवल की बात करूं तो पेपर का जो लेवल था, कुछ मॉडरेट लेवल का आपका पेपर था और कुछ क्वेश्चन आपके हार्ड भी थे। तो आप लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि आपका पेपर बिल्कुल ईजी था। ईजी नहीं था पेपर आपका, कुछ हार्ड लेवल का था और कुछ मॉडरेट लेवल का था। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे और कुछ क्वेश्चन आपके हार्ड थे, ठीक है? तो देख लीजिए आप लोग, अगर आप लोगों ने जनरल हिंदी में 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आप लोगों ने जनरल हिंदी में 65 से 70 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने बनाए होंगे तो आप लोग बिल्कुल सेफ हैं। यह आप लोगों का 100 नंबर का पेपर हुआ था और इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया गया था, और एक पेपर आपका हुआ था जनरल स्टडीज का, इसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए थे 200 नंबर के, और इसमें भी आपको 2 घंटे का समय मिला था। अगर मैं जनरल स्टडीज की बात करूं तो जनरल स्टडी में अगर आप लोगों ने 55 से 60 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने बिल्कुल सही बनाए हैं, तो आप लोग बिल्कुल सेफ हैं। तो कहने का मतलब अगर आप लोगों ने हिंदी में 65 से 70 क्वेश्चन सही बनाए हैं, आप बिल्कुल सेफ हैं। अगर मैं जनरल स्टडीज की बात करूं, अगर आप लोगों ने जनरल स्टडीज में 55 से 60 क्वेश्चन सही बनाए हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे 200 नंबर के, सॉरी 200 क्वेश्चन पूछे गए थे 400 नंबर के, और 4 घंटा का आपका ये पेपर हुआ था, 2 पार्ट में 2-2 घंटे का, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हैं, देख सकते हैं आप लोग। मेंस एग्जाम जो आपका हुआ है बिहार एसआई का, ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका ये पेपर हुआ है। जनरल हिंदी में आपको क्वालिफाइंग नेचर के आधार पर आपको करना होगा और क्वालिफाइंग नेचर के आधार पर आपको लिया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 30% मार्क्स को, जनरल हिंदी में 30% नंबर लाने होंगे तभी आप इसमें अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। देयर इज निगेटिव मार्किंग, इसमें निगेटिव मार्किंग भी थी, दे सकते हैं आप 0.2 मार्क्स दे सकते हैं आप लोग, और इन करेक्ट आंसर तो निगेटिव मार्किंग थी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि जनरल हिंदी में आप लोगों ने 100 क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट किए हैं और जनरल स्टडीज में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, यानी कि 200 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो उसी के आधार पे मैं एक कट ऑफ का वीडियो मॉर्निंग में लाऊंगा, बिल्कुल सटीक कट ऑफ मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आप लोगों ने 200 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है? तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।